अद्भुत अलौकिक क्षण था जब बाबा मंदिर से प्रजा का हाल जानने बाहर निकले। तब उनका एक क्षण के लिए दर्शन पाकर भक्त अपने आप को धन्य मान रहे थे। श्रावण मास के दूसरे सोमवार को देवों के देव महादेव बाबा महाकाल चंद्रमलेश्वर के रूप में प्रजा का हाल जानने पालकी में निकले। बाबा की एक झलक पाने के लिए जनता जनार्दन श्रद्धालुगण बड़े ही बेताब थे और बाबा के दर्शन पाने के लिए श्रद्धालुओं में इतना उत्साह उमंग भरा हुआ था कि पालकी के आगे आगे हर कोई बाबा के साथ उनकी सवारी में शामिल होना चाहता था। डमरू झांझ मजीरे बजाते हुए श्रद्धालु चल रहे थे। इससे पूर्व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मनसान रूप आदिवासी जनजाति दल को शामिल किया गया और दल ने बड़ा नृत्य ऐसा प्रस्तुत किया कि श्रद्धालु देखते ही रह गए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री की मनसा अनुरूप इस बार पुलिस बैंड भी शामिल किया गया और यह पुलिस बैंड 350 जवानों का था। पुलिस बैंड ने अपनी प्रस्तुति दी, वह भी देखने और सुनने लायक था। जगह जगह पर बाबा का स्वागत हुआ। बाबा महाकाल मंदिर से जनता का हाल जानने निकले। गुदरी चौराहा, कहारवाड़ी और बाबा की पालकी रामघाट पर पहुंची, जहां पर बाबा का मां शिप्रा के जल से जलाभिषेक किया गया और पूजन अर्चन किया गया। उसके बाद बाबा की पालकी जनता का हाल जानने निकली और रामघाट से दानी गेट, ढावा रोड, गोपाल मंदिर, पटनी बाजार, गुदरी होते हुए महाकाल मंदिर पहुंची। इस बार बाबा की एक झलक पाने के लिए श्रद्धालुओं का जनसैलाब इस तरीके से उमड़ा था तो इससे लगता था कि बाबा के प्रति आस्था और विश्वास जनता में दिनों दिन बढ़ने लगा है तथा बाबा की झलक पाने के लिए शहर के अलावा भारत के कोने कोने से अन्य शहरों से श्रद्धालु आए हुए थे। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त JP डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर, मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH90, मथुरा।